नया साल शुरू हो गया और सोचा कि क्यों ना नए तरीके से वीडियो बनाई जाए। अम्मी का पकाने का कुछ मूड नहीं था तो मैंने सोचा कि उन्हें खुद कुकिंग की जाए, तो आज आप लोगों के साथ मैं कुकिंग करूँगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो लिहाजा भूख तो भी मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं और रेसिपी को करते हैं शुरू। ठीक है, ये चिकन लिया है मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, और अब हमने इसके पीस कर लेने हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। वैसे तो मुझे ज़्यादा छोटे पीस पसंद नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े जैसे आपका दिल करे आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तकरीबन ये देखें, ये साइज़ मैंने किया छोटा सा, और कुछ मैंने बड़े रखे हैं, कुछ मैंने छोटे रखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर से कह रहा हूँ कि जैसा दिल करे आप अपना रख सकते हैं। तो ये आ गया जी हमारा चिकन, जो हमने अच्छे से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कटिंग कर ली थी इसकी। 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और उसके बाद 1/2 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्ड। उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट और रंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून ही पेपरिका पाउडर। फिर अब हम इस्तेमाल करेंगे जिसे असल टेस्ट आता है ज़्यादा, वो है जी नमक। नमक है जी 1 टीस्पून, और उसके साथ ही कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, और अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और उसके साथ ही 1 टेबलस्पून सिरका। जी अब हमारे हो गए हैं सारे मसाले पूरे, और अब हम इसको करेंगे मिक्स। जी हमारा हो गया मसाला पूरा, और अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए, ताकि हमारा जो गोश्त है वो एक अच्छे से आपस में जज़ब हो जाए। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपका दिल करे आप ले लें, मुझे फ़िलहाल अभी शैलो फ्राई के लिए इतना ही चाहिए था। और अब हमारा यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तो बारी है अब चिकन ऐड करने की। तो चिकन आप 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो अपने हाथ से कर लें तो ज़्यादा प्रोफेशनल है, अगर वैसे है तो एक चिमटे की मदद से ले के आप बारी बारी चिकन थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएँ। थोड़ी देर इसको थोड़ा सा ना टाइम हम इसको रखेंगे शैलो फ्राई के लिए, उसके बाद हम इसको फिर ढक देंगे आराम से, ताकि ये इसकी स्टीम में अपने पानी में ही और ऑयल के अंदर मसाला वगैरह सब आपस में अच्छे से पक जाए। और अब हम इस मौके पे आके इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट 20 मिनट जैसे भी आपका दिल करे। और एक काम ज़रूर कीजिएगा इसको ढकने के बाद कि फ्लेम को लो पे कर लीजिएगा, ताकि ये आराम आराम से अपनी हीट के अंदर और पानी के अंदर और मसाले के अंदर पकता रहे। यहाँ पे अब हम हल्का सा टच देंगे जी बटर का, उसको अच्छे से पूरे पैन के ऊपर आपने ना
ग्रीस कर लेना पूरे पैन को, ताकि जब हम अपना पूरा टोटीला रैप कर रखें ब्रेड तो अच्छे से हर जगह पे बराबर से उसको मॉइस्चराइज करें। अच्छा जी, साथ साथ हमारी जब ब्रेड सेक रही है तो हम इसको भी चेक कर लें कि इसकी क्या सूरत हाल है। और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, चिकन अपने पानी में आराम से पक रहा है मसाले के साथ। ये भाई मुंह में पानी आ रहा है मेरे इस वक्त। और अभी हम इसको फिर ढक के रख देते हैं, बस थोड़ा टाइम और, कुछ ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट ये डन हो चुका हुआ है। जी अब हम अपनी सॉस तैयार करेंगे रैप के लिए, और उसमें सबसे पहले अब हम ऐड करेंगे अपना जिंजर चॉप हुआ हुआ, और ये जिंजर है जी 1 टीस्पून। मायो ऐड कर लें अब इसके अंदर, मैंने ऐड किया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, वो भी तकरीबन सेम ही मैंने क्वांटिटी की ली है 2 से 3 टेबलस्पून। ये आ गई हमारी ब्रेड, ये जी हमारा तैयार हो गया पराठा रोल, जूसी स्पाइसी एंड टेस्टी। टेस्टी तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, तो आप भी बनाएं, आप भी खा के देखें कैसा बनाते हैं आप भी घर पे। और अगर वीडियो पसंद आई उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी भी आपको बैठे घर बैठे भूख लगे, और आप इस रेसिपी को ज़रूर खा सकते हैं। जल्दी है, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली एक अच्छा स्नैक आप बना के अपने लिए खा सकते हैं। तो एक बार फिर कहूँगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि एक लाइक का बटन ही है जो कि हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करता है। थैंक यू सो मच।